Good morning, guys. Welcome back to my channel. It's me, Tushar, and that's my Champakali. So today, that's my other Champakali, 9700 9700, and one more there, 9700. So आज हम जा रहे हैं कुर्ला सांता क्रूज. थोड़ा सा इसमें नई चीज़ें इंस्टॉल करनी है. सो चलिए रास्ते में मिलते हैं. तो कहाँ थे हम? कुर्ला. तो हम जा रहे हैं कुर्ला. एक्चुअली कुर्ला में काम ये है कि बाइक में कुछ चीज़ें ऐड करनी है. इसको एक विंडशील्ड लगाना है, विंड ब्लास्ट को कम करना. ये कोई पर्पस नहीं है मेरा. मेरा मेन पर्पस है यहाँ पर मुझे कैमरा माउंट करना है, सेकेंडरी कैमरा. जो अभी हो रहा यूँ है, ये है वो छोटा, इसको माउंट करते हैं तो वो हैंडल नहीं मिल रहा है, और हैंडल पे माउंट करते हैं तो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके हैं, सिर्फ मेरा हेलमेट वाला मुखड़ा दिखता है और सराउंडिंग कुछ नहीं दिखता है. तो कुछ इतना खास मज़ा नहीं आता है उसमें. तो बस उसी के लिए एक विंडशील्ड ऐड करेंगे, उसके ऊपर कैमरा माउंट करेंगे और चेक करेंगे. ग्रुप में दो तीन जन ने डाला हुआ है विंडशील्ड, और कैमरा एंगल काफ़ी अच्छा मिल रहा है. So let's try. वैसे तो बोलते हैं उनको, एक बार देखते हैं ऊपर नीचे दोनों करके क्या है. एक बार बैठ के देख, सीधा दिख रहा है क्या? मिलते हैं. मैं हाँ, बारिश के बाद. चलो भाई, थैंक यू सो मच. चल रूपल, फाइनली ये वाइजर लग चुका है. थोड़ा चेंज कर देंगे, बी ऑल राइट. तो मेरा पर्पस था यहाँ पे माउंट करने का, जो मैंने किया भी था पेंसिल लगा के, बट वो निकला ही नहीं. जब निकाल रहा था तो टूट गया.
तो नो प्रॉब्लम, बैड लक। घर पे जाऊंगा तो बना दूंगा एक। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा मैं एक पुतला विंडशील्ड लगाने, विंडशील्ड तो लग चुका है, कल ये माउंट नहीं लग पाया था। एक्चुअली हम लोग बनाए थे उसको, बट देन वो एमसीएम सूखा नहीं था एंड वायर टेकिंग इट आउट वो टूट गया, तो इसके पीछे एक एमसीएम का बेस बनाना पड़ता है। इससे एक्चुअली ये कर्व है तो कैसा व्यू आता है, और तो ये ज़्यादा हिले नहीं क्योंकि थोड़ा हिल रहा है, जैसे हम जो बाइक का वाइब्रेशन है वो कैमरा पे आ रहा है, मुझे लगा था नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी स्टर्डी है, बट फिर भी है, बट आई थिंक वो कैमरा उसमें एडजस्ट कर लेगा स्टेबलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं इससे कैसा दिखता है, इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो, होप इसका व्यू सही हो, पता नहीं अभी तक टेस्ट नहीं किया है तो कोई आइडिया नहीं है, इसके ऊपर कितना आ रहा है पता नहीं, तो एंगल उसका चेक कर सकते हैं बाद में, भी तो टेस्ट चल रहा है। मेरा ये विंडशील्ड लगाने का पीछे सबसे बड़ा रीज़न था टू माउंट दिस कैमरा हियर, जिससे कि एक डिफरेंट एंगल से आप शूट कर सकते हो। तो जो हेलमेट पे लगा हुआ है दैट इज LJ6, दैट इज माई प्राइमरी कैमरा, और जो विंडशील्ड पे लगा है दैट इज द सेकेंडरी कैमरा GoPro। तो अभी से आपको जो भी व्लॉग्स आएंगे बाइक राइड के उसमें आपको दो व्यू दिखेगा। और इसको कल हम लोग ने पेंट भी किया, मतलब मैं घर पहुंचने के बाद आई पेंटेड ऑल दिस थिंग्स विच आर देयर। जो विंडशील्ड का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो मैं अभी आपको ये स्पीड पे रिव्यू नहीं दे सकता हूँ, बट एक बात है, इट इज़ नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल, इट्स नॉट मेकिंग एनी साउंड किचू किचू, तो हैंड ऑफ फॉर दैट, काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है। बस इतना प्रे करो कि इसका जो फुटेज आएगा वो शेकी नहीं होना चाहिए, तो बहुत पैसा वसूल है। तो ये जो विंडशील्ड है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अली एक्सप्रेस पे अराउंड 900 के आसपास, बट दैट कम्स विदाउट द ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको खुद बनाना होगा। अगर आपको ब्रैकेट बनाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के देता हूँ, आप कुल्ला जा सकते हैं बॉम्बे पे, अगर वो आप वहाँ पे सैलेज करते हैं सेल का है हमारे ग्रुप के रीजनल की उनको मिलती है बहुत, बट मुझे पता तो चले आप लोग को कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट, सपोर्टिंग